आप सब खैर खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करते हैं, देखें आप यहाँ पे, आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट हैं, क्योंकि हम फाइल मेन्यू प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सही है। इसके बाद हम अकाउंट की तरफ आ रहे हैं, अकाउंट में क्या है, तो ये अकाउंट जो है एक्टिव हो गया है, सही है। फिर हमारे पास ये क्या है, फीडबैक आपने किस तरह देने हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हम जर्नल सेटिंग जो इसकी है और किस तरह सेव करना है, तो ये अकाउंट सेटिंग है, लैंग्वेज कौन सा सेट हमने करना है, इसके साथ लैंग्वेज कौन सा ऐड करेंगे, यहाँ पे उर्दू वगैरह, यहाँ पे देखें जो चीज़ें हमने एक्सेसिबल करनी है, सही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब हमने इसके रिबन में और इसके मेन्यू बार में वगैरह में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ हमारे फाइल मेन्यू में था। अब आते हैं पावर पॉइंट के इन्वायरमेंट की तरफ, ये ब्लिंक क्लिक करके हम इसके इन्वायरमेंट की तरफ आएंगे। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, इन्वायरमेंट ओपन हो गया। सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर टॉप पे, ये हमारे पास पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बार, हम मतलब हमारे पास जो प्रेजेंटेशन हम करंटली प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, वो हमारे पास इसके क्या है, टाइटल बार है, जो करंट हमारे पास प्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, डायरेक्ट इसको क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, मेन्यू बार है, ये हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ये देखें यहाँ पे मेन्यूज़ हैं, इंसर्ट्स हैं, डिज़ाइन है, ये हमारे पास क्या है, डबल एनिमेशन है, स्लाइड शो वगैरह, ये 9-10 मेन्यूज़ हैं। जिस तरह आप होटल को जाते हैं और आपको मेन्यू पेश करते हैं, तो वही हमारे पास ये भी मेन्यू है कि हमारे पास पावर पॉइंट में क्या क्या चीज़ें होते हैं, सही है। अब इसके ये देखिए, ये इसके स्टैंडर्ड टूल बार है, हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, और इसके हमारे पास टैब होते हैं, डिफरेंट टैब्स हैं, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, फॉन्ट है, स्लाइड हैं, क्लिपबोर्ड हैं, ये सारे हैं, सही है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लिक टू ऐड टाइटल या सब टाइटल, तो ये हमारे पास क्या है, सपोज़ मैं न्यू स्लाइड को क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे आप न्यू स्लाइड जो आपने नाम लिखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, इसका टाइटल आ गया, सही है। और सब टाइटल में आप जो भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास सब टाइटल में आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंप्यूटर आ गया। अब न्यू स्लाइड आप अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो न्यू स्लाइड की तरफ जाएं, तो यहाँ पे आप टाइटल देंगे, सही है, जो टाइटल आप बुक के देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ नेटवर्क हमारे पास क्या है, नेटवर्क, तो नेटवर्क के बारे में मैंने क्लिक कर दिया है, सही है। फिर नेटवर्क के बारे में नेटवर्क WORK, सही है। तो यहाँ पे हमारे नेटवर्क क्लिक कर दिया। अब नेटवर्क को हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे एक एक की पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक की पॉइंट्स को इस पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, नेट क्या है, वर्क हमारे पास क्या है, और कौन कौन से कंप्यूटर जो होते हैं वो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक की पॉइंट्स में इसको लिखेंगे, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आप कॉपी करते हैं कहीं से भी, इसको अगर आपने क्या करना है, कॉपी करना है, इसको अगर आप क्या करते हैं, कॉपी करना है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, सही है, कॉपी आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी करें। और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन से स्टाइल पर आपने पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल पे करना है, ये फॉर्मेट हैं, सही है, पेस्ट स्पेशल करना है वगैरह, ये सारे फॉर्मेट हैं इसके, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लिपबोर्ड में यहाँ पे शो कर दिया यहाँ पे, सही है, कि किस तरह आपने पेस्ट करना है, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये सारे पेस्टिंग का हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो आप कौन से फॉर्मेट में आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्लाइड्स हैं, डिफरेंट स्लाइड आप हैं, स्लाइड के डिज़ाइंस हैं डिफरेंट, ये हैं, एक डिज़ाइन आ गया यहाँ पे, दूसरा डिज़ाइन है, तीसरा आप यहाँ पे देखिए हेड सेक्शन वाला डिज़ाइन है, सही है। फिर उसके बाद आप देखें टू कंटेंट वाला है, यहाँ पे टाइटल देखें, सपोज़ यहाँ पे टाइटल देखें,
आवर, यहाँ पे भी आप कंटेंट लिख सकते हैं स्लाइड की, और यहाँ पे भी कंटेंट लिख सकते हैं स्लाइड की, और आपके साथ पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप सपोज चाहते हैं कि इधर पिक्चर अपलोड करूँ इधर कंटेंट लिखूँ, तो ठीक है, सही है, आप कर सकते हैं, सही है, कंटेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कंपेरिजन, ये कंपेरिजन वाले स्लाइड्स हैं, क्या आप क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंपेरिजन वाले स्लाइड है, सही है, इसके ज़रिए आप कंपेरिजन आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल लेके जिसमें हमारे पास अगर सपोज हार्डवेयर और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप हार्डवेयर आ गया और यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आप करते हैं, तो यहाँ पे आप हार्डवेयर लिखें और यहाँ पे आप क्या लिखें, सॉफ्टवेयर लिखें, तो आप क्या कर सकते हैं इसकी कंपैरिजन, आप क्या कर सकते हैं इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर क्या है, इसके सारा कुछ सही है, और इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या, सही है, इस तरह है, ये डिफरेंट स्लाइड बन जाते हैं, सही है। ये यहाँ पे कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, आप फिर उसकी डुप्लीकेशन स्लाइड आप लेके आना चाहते हैं, या ब्लैंक स्लाइड लेके आना चाहते हैं, या कॉन्टेंट विथ कैप्शन, सही है, पिक्चर विथ कंपैरिजन, पिक्चर वाला, यहाँ पे पिक्चर हो, यहाँ पे टाइटल हो, यहाँ पे टेक्स्ट हो, जो मैंने स्टूडेंट्स ने बनाए थे, सही है, तो ये आप इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्लाइड्स आप बना सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड, सेम स्लाइड उस तरह लेके आना, सही है। फिर आउटलाइन और रीयूज स्लाइड आप कर सकते हैं दोबारा, सही है। तो ये हमारे पास स्लाइड था, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वही सेम लेआउट है स्लाइड्स का, इसमें भी सेम लेआउट है स्लाइड्स का, और दोबारा रिसेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऐड सेक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो रीनेम करें ऐड सेक्शन भी, आप उसको यहाँ पे ये देखें ऐड सेक्शन हो गया, तो यहाँ से आप ऐड सेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ तक पूरा है, ओके, थैंक यू।